अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अस्मा धनशीस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन 65। चिकन 65 बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ के जी आधा किलो चिकन। इसमें हमने एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालकर स्टीम लिया है, 2 से 3 मिनट भाप में पकाया है ताकि चिकन जल्दी से गले और अच्छे से फ्राई हो जाए। आप चाहो तो इसे बिना स्टीम लिए भी यूज़ कर सकते हो। एक अंडा, एग, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काले मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून योगर्ट, दही, नमक, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, मस्टर्ड सीड, राई 1/2 टीस्पून, करी पत्ता, करी लीव्स 15 से 20, चिकन 65 मसाला 1.5 टेबलस्पून। चिकन 65 मसाला जो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल है वो यूज़ करें। रेड फूड कलर 1/4 टीस्पून, ये वाला यूज़ करें। सूखी लाल मिर्च 2 छोटे टुकड़ों में कट करके यूज़ करें। हरी मिर्च, ग्रीन चिली 3 कट करके यूज़ करें। ऑयल, तेल एज रिक्वायर्ड। चिकन में 65 मसाला, रेड फूड कलर, ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, कॉर्नफ्लावर, एग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, मिक्स कर लें। चिकन में सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके चिकन को डीप फ्राई कर लें। चिकन को क्रिस्पी होने तक फ्राई करें मीडियम फ्लेम पर। इस चिकन को फ्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने चिकन को पहले ही स्टीम ले लिया था। 2 से 3 मिनट में ये चिकन क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे एक डिश में निकाल देंगे। दही में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे। एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करें और उसमें मस्टर्ड सीड डाल दें। हरी मिर्च और लाल मिर्च, करी पत्ता, दही, थोड़ा सा नमक मिक्स करें। अब उसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल दें। सारी चीज़ों को मिक्स करें। चिकन 65 रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।